कोरोना की रोकथाम के मद्देनजर कोडरमा जिले में घर घर टीकाकरण अभियान की शुरुआत आज उपायुक्त रमेश घोलप ने समाहरणालय परिसर से मोबाइल टीकाकरण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर की। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि मोबाइल टीकाकरण वाहन जयनगर व मरकच्चो प्रखंड और झुमरी तलैया के कई वार्ड और अन्य क्षेत्रों में घूम घूम कर आम नागरिकों को कोरोना का टीका लगाएगा। उपायुक्त ने बताया कि गाड़ी में माइकिंग की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से लोगों को टीकाकरण के पश्चात कोरोना से बचाव संबंधित जानकारी और दूसरा डोज कब लेना है इसकी भी जानकारी दी जाएगी। वैक्सीनेशन के 3 व्हीकल्स आज हम इसको फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। विभाग के द्वारा भी ये डायरेक्शन आया था कि कुछ ऐसे लोग जो जिनको रजिस्ट्रेशन में इश्यू है, ज़्यादा एज है, विकलांग है, या फिर वैक्सीनेशन सेंटर्स से दूरी पे रहते हैं तो उनको आने में कठिनाई होती है, तो ये तीनों वैन ऐसे लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत देगी। और ये वैन आज जैसे जयनगर और मरकच्चो प्रखंड के 3 पंचायत में और हमारे झुमरी तिलैया नगर परिषद के 2 वार्ड में इसके लोकेशन हम लोगों ने चिन्हित किए हैं, और आने वाले समय में भी दूर दराज के इलाकों में ये वैन जाएगा और वहाँ के लोगों को वैक्सीनेट करेगा। साथ ही साथ इस पे हम लोगों ने माइकिंग की भी व्यवस्था की है, जिससे वैक्सीनेशन को लेकर अवेयरनेस का भी काम होगा। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।